Alright, so 680 cc's, 92 hp and 63 newton meter of torque. Right over here, this is the Benda motorcycle. और एक बार पूरा walk around दिखाते हैं. So here it is the motorcycle. बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं. इसको अलग side करते हैं. हगर काफी huge है और जो back टायर है वो काफी huge है इसका. और साथ में इसका आपको देखने को मिल रहा है. Let's see टायर साइज का होगा. आपको टायर साइज एक बार जरूर देखना है. यहाँ पे 310 सेक्शन का टायर आपको देखने को मिलता है. 35R18 MBCA87B का टायर, विच इज मेड इन चाइना है एक्चुअली. यहाँ पे ब्रेम्बो ब्रेकिंग आपको देखने को मिलती है, ब्रेक्स कुछ आपके हैं. बाकी आपको जैसे डुअल बैरल, ट्रिपल बैरल होते हैं, आपको यहाँ पे फोर बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं. और इसमें एक काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं एक जाली टाइप की भी लगी है. यहाँ पे BD702 को समथिंग लिखा है और एलॉय को साफ का देखने को मिलता है. एलॉय यहाँ से काफ़ी मोटा है और इस LED इंडिकेटर और है. LED इंडिकेटर 315 सेक्शन है. इस पेंडा यहाँ पे आपको बेंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और जो टेल लाइट है उस साथ की देखने को मिलती है. बाकी फ्रंट में दिखा है थोड़ा सा बैट मोबाइल टाइप की लगती है और सब प्रोजेक्टेबल प्रोजेक्टर नहीं है. मे भी सब प्रोजेक्टर ऑन कर सकते हैं. इंडिकेटर जो है यहाँ देखने को मिलते हैं, काफी यूनिक लग रहा है इंडिकेटर. फ्रंट में एक बार टायर साइज देखते हैं कितना है. फ्रंट का टायर साइज तो फ्रंट में भी आपको डिटेल देखने को मिलता है. टायर साइज देखते हैं फ्रंट में कितना होगा. तो फ्रंट में आपको 170 का टायर देखने को मिलता है. डुअल डिस्क आपको देखने को मिलती है. ब्रेम्बो ब्रेकिंग देखने को मिलती है. रेडिएटर काफी ह्यूज आपको देखने को मिलता है और इंजन काउल आपको कुछ आपका देखने को मिलता है. और यहीं पे आपको चार सिलेंडर भी इसमें देखने को मिलते हैं. तो इनलाइन फोर यूजर मोटरसाइकिल है. मीटर कंसोल कुछ इस हिसाब का है. बाकी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको मोड बटन, यहाँ पे आपको किल स्विच और यहाँ पे लो बीम हाई बीम और यहाँ पे इग्निशन स्विच एंड यहाँ पे कुछ और भी आपको स्विचेस देखने को मिलते हैं. यहाँ पे मोड सेट, अप एंड डाउन, यहाँ पे पास लाइट, यहाँ पे लो, यहाँ पे डे लाइट और नाइट लाइट, यहाँ पे ट्रेन इंडिकेटर्स और यहाँ पे हॉर्न इतना कुछ देखने को मिलता है. रॉड एंट्री बार इधर देखने को मिलता है. यहाँ पे आपको घंटा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है. एंट्रेंस इज एडजस्टेबल सस्पेंशन. यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन भी इसमें देखने को मिलता है. काफ़ी ज़्यादा लोडेड मोटरसाइकिल है. देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोडेड मोटरसाइकिल है. इवन यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा सा मुझे रफ टाइप का इसकी चेसिस लग रही है. और इवन दो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच ब्रेक्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको बार एंड मिरर्स भी देखने को मिलते हैं. तो काफ़ी सही लग रही है मोटरसाइकिल, देखा जाए तो काफ़ी सही लग रही है देखने में. तो इतनी से कुछ स्पेसिफिकेशन थे इस मोटरसाइकिल को. और बाकी हम लोग प्राइस तो जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो प्राइस कुछ भी हो सकता है. प्राइस अगर होगा तो मैं वीडियो में मेंशन ज़रूर कर दूंगा. बाकी आपको कुछ हिसाब की सीट देखने को मिलती है, सिंगल सीट आपको देखने को मिलती है. ओके ओके है. तो इतनी सी कुछ वीडियो थी. बाकी लोग वीडियो एंड करते हैं. तो साइनिंग आउट फ्रॉम इट. सो वीडियो चलिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.